देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रूण हत्या रोकने, बेटियों को बचाने, उनके भविष्य को संवारने के लिए कई योजनाओं को लाने की बात करते हैं। बेटियों के सम्मान के लिए हर संभव कदम उठाने की बात की जाती है, लेकिन क्या सरकार का हर मंत्री, हर नेता इस योजना में उनके साथ है? आइए आपको बीजेपी नेता का एक ऐसा चौंकाने वाला बयान सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद आप सरकार की कथनी और करनी में फर्क समझ पाएंगे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पहले ये सुनिए। बेटे और बेटी में भेद करने से बीमारी से निकल जाना चाहिए। बेटा बेटी एक समान, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। और अब ये सुनिए। मैं सेल्फी विद डॉटर और बेटी को क्या गरिमा मिल गई। और जब वो सेल्फी विद डॉटर करता था तब अपनी बेटी का तो हौसला बुलंद करता था, लेकिन अपने भीतर भी एक कमिटमेंट पैदा करता था। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बेटियों को बचाने, उनकी रक्षा करने और उन्हें शिक्षा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सेल्फी विद डॉटर की मुहिम के तहत अपनी बेटियों के साथ फोटो को शेयर करने की बात कह रहे हैं। लेकिन मोदी जी के नेता इसके उलट ही बात करते हैं। अब आपको बेटियों को बचाने की अपील करने वाली सरकार के उस नेता का वो बयान सुनाते हैं जिसे खुद पीएम मोदी सुनकर हैरान हो जाएंगे। जरा आप भी सुनिए कि बीजेपी के ये नेता सरेआम किस तरह का बयान दे रहे हैं। और मेरी कोई बेटी नहीं है संयोग से, और मेरी कोई बेटी नहीं है संयोग से। तो सुना आपने, बीजेपी के ये नेता खुद की बेटी ना होने को अपना संयोग बता रहे हैं। दरअसल माननीय बीजेपी के कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बल्कि ये हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। वो मौर्य जिनके दम पर बीजेपी यूपी में चुनाव जीतने का दावा करती है और इनसे उम्मीद करती है कि ये प्रदेश में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाएं। उपलब्धि बेटी को बचाने और पढ़ाने की, उपलब्धि गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण की, उपलब्धि बेटियों को देश का गौरव बनाने की। लेकिन बीजेपी के ये नेता तो इसके विपरीत अपनी बेटी ना होने पर खुशी जता रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक लड़की का 2000 रुपए की नोटों की गड्डी के साथ फोटो काफी वायरल हो रहा है और उसे केशव प्रसाद मौर्य की बेटी बताया जा रहा है। जब पत्रकारों ने उनसे इस पर सवाल किया तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। आइए आपको फिर सुनाते हैं केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान। और मेरी कोई बेटी नहीं है संयोग से, और इस पर मैं कोई सफाई दूं, इससे अच्छा ये है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल जांच करके कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये हैं बड़े नेता के बड़े बोल, जिन्हें बेटी ना होने का संयोग लगता है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री जी आप अपने इन नेताओं को क्या कहेंगे, क्या नसीहत देंगे और कैसे साकार करेंगे अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सपने को, जब आपके बड़े नेता ही आपके साथ नहीं? वाकई केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान शर्मसार करने वाला है। जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, उन्हें लक्ष्मी माना जाता है, वहां केशव प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।